देखिए, जितना बड़ा ये कोरोना वायरस इन्फेक्शन है और जिस तरह से पूरे विश्व में फैल गया और महामारी बन गया है, वहीं इससे बचने के जो उपाय हैं वो बहुत ही सरल और सीधे से उपाय हैं जिनको हम लोग बड़ी आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहला जो उपाय है वो है हमें अपनी हैंड हाइजीन का ध्यान रखना है, यानी कि हमें समय समय पर साबुन और पानी से अपने हाथों को धोना है। कोशिश करनी है कि हम जल्दी जल्दी अपने हाथ साबुन और पानी से धोएँ, और अगर किसी वक्त पर हमारे पास साबुन और पानी की सुविधा नहीं है तो हम उस समय पर अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हमें यहाँ पर यह बात याद रखनी है कि साबुन का इस्तेमाल ज़रूर करना है, केवल पानी से हाथ धोने से बात नहीं बनेगी। दूसरा, जब भी हम साबुन से हाथ धोएंगे हमें कम से कम 20 से 40 सेकंड के लिए अच्छे से हाथ धोना है। ऐसे ही जल्दी से झटपट जैसे हम लोग हाथ धो लेते हैं वैसे नहीं धोना है, और खास करके हमें कोशिश करनी है कि हम उंगलियों के बीच में और नाखून के नीचे ज़रूर रगड़ें जब हम साबुन से धोएं, क्योंकि ज़्यादातर कीटाणु इस जगह पर होते हैं। तो हमें कोशिश करनी है कि हम अच्छे से अपने हाथ धोएं। उसके अलावा जो दूसरी ज़रूरी चीज़ है जो हम कर सकते हैं वो ये है कि जहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ भड़क्का है या बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे हैं, तो ऐसी जगह पर अगर हम इस वक्त जाना थोड़ा कम करें, जहाँ भी हम ऐसा कर सकते हैं कि बिना जाए हमारा काम चल जाए, तो कोशिश करें कि ऐसी जगह पर आप लोग ना जाएं, ना बच्चों को लेके जाएं, ना बुज़ुर्गों को लेके जाएं, ना खुद जाएं। तो कोशिश करें कि हम ऐसी जगह पे ना जाएं। तीसरी ज़रूरी बात जो है जो हमें ध्यान रखनी है वो ये है कि अगर हमारे घर में या हमको किसी को भी सर्दी खांसी ज़ुकाम है या बुखार है, तो हमें कोशिश करनी है कि हम ऐसे समय पर कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा घर के अंदर रहे, या अगर डॉक्टर ने हमें अस्पताल में रहने के लिए बोला है तो हम अस्पताल में रहें, वरना हम घर में रहें, घर में इलाज करें ताकि और लोगों को ये इन्फेक्शन ना हो। और ऐसे समय पर अगर हम खांसे छींकें या हम जब बात कर रहे हैं तो हम दूरों और लोगों से एक दूरी मेंटेन करके रखें, कम से कम 1 मीटर की दूरी रखें ताकि और लोगों को ये इन्फेक्शन ना हो। और जब भी आपको खांसी आती है या छींक आती है तो उस वक्त कोशिश करनी है कि आप किसी टिश्यू में, किसी कागज़ में या कपड़े में ही खांसे या छींकें, और उसको भी इमीडिएटली डस्टबिन में डिस्पोज ऑफ करें, और अपने हाथ उसके बाद साबुन और पानी से ज़रूर धोएं। अगर कोई ऐसा वक्त है जब आपको अचानक से खांसी आ जाती है या छींक आ जाती है और आपके पास उस वक्त कोई कपड़ा नहीं है, कोई टिश्यू नहीं है, तो ऐसे वक्त में आप अपने आस्तीन का यानी कि इस तरह से छींक या खांस सकते हैं ताकि वो इन्फेक्शन आपके हाथों में नहीं आए और जो कपड़े में जाता है वो वहीं के वहीं ख़त्म भी हो जाता है। इसलिए कोशिश करें कि इन चीज़ों को फॉलो करें। उसके अलावा बहुत ज़रूरी है कि जो लोग ट्रैवल करने के बारे में सोच रहे हैं, जो सोच रहे थे कि हम ट्रैवल करें इंडिया में या इंडिया के बाहर, वो कुछ समय के लिए अभी अपने ट्रैवल को पोस्टपोन करें। कोशिश करें, अगर बहुत ज़रूरी काम आपका नहीं है तो कोशिश करिए कि आप इस वक्त ट्रैवल ना करें। और उसके अलावा जहाँ अब हम बात एक मास्क की भी करते हैं, क्योंकि मास्क एक बहुत ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट चीज़ बन गई है और हर कोई अभी मास्क लेने के लिए भाग रहा है, तो जिन लोगों को बीमारी नहीं है, जो लोग स्वस्थ हैं, उनको मास्क यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, उनको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप भागें और जाके कैसे भी कितने भी दाम पर मास्क लेकर आए, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, तो ऐसा मत कीजिए। मास्क इस वक्त उन लोगों के लिए ज़रूरी है जिनको ऑलरेडी खांसी सर्दी या बुखार है, वो लोग मास्क का इस्तेमाल करें ताकि उनसे और लोगों को ना जाए। जिनके घर में ऐसे लोग हैं जिन्हें ऑलरेडी सर्दी खांसी ज़ुकाम है, वो घर के जो सदस्य हैं वो लोग मास्क का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि उन्हें अपने ही घर के सदस्य से इन्फेक्शन ना हो। और उसके अलावा जो हेल्थ केयर गिवर्स हैं, जो फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स हैं, यानी कि डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, पैरामेडिक स्टाफ है, उन लोगों के लिए इस वक्त बहुत ज़रूरी है कि वो लोग मास्क का इस्तेमाल करें। तो जो एक जनरल अफरा तफरी फैली हुई है और लोग सोच रहे हैं कि कैसे भी बस मास्क लेना है और मास्क नहीं मिल रहा है तो परेशान हो रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल मत करिए। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल देश ऑनलाइन पल्स ऑफ पीपल और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि आप अपडेट रहे हमारे नई वीडियो से।